सबसे पहले तो मेरा हल्का बड़ौदा की अगर बात करूं तो 6 खिलाड़ी गोल्ड मेडल लेके आने का काम किया कबड्डी में, और सातवीं बेटी सोनम मलिक कुश्ती में। मैं आपके चैनल के माध्यम से इन सभी बेटी को भाइयों को बड़ा तहे दिल से उनका धन्यवाद भी करता हूँ, स्वागत भी करता हूँ, उनको आशीर्वाद भी देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वो ऐसे ही गोल्ड लेके आते रहे और उस जब वो गोल्ड मेडल लेके आए हम आशीर्वाद देने के लिए ये पूरा इलाका उनको आशीर्वाद देने के लिए वहां पर पहुंचे। इससे बड़ी खुशी की बात हो नहीं सकती, मैंने बहुत बड़ी खुशी है। कल एमपी साहब भी आए थे, कल भी कई सम्मान समारोह थे। कल आपने देखा कि हमारे जो अगर हम उत्तर भारत की बात करूं सबसे बड़े लोकप्रिय सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, जो छोटी उम्र में 4 बार में सांसद बने, वो कल हल्का बड़ौदा के 3 प्रोग्राम थे, एक बैसवाड़ गांव का, बिचपड़ी गांव का और रिनाणा गांव का, और सारे के सारे बच्चे कबड्डी में गोल्ड मेडल ले गए और दीपेंद्र हुड्डा जी उनको आशीर्वाद देने के लिए वहां पहुंचे। और बड़े दुख की बात है बताना चाहूंगा मैं आपने, जैसे हमारी बेटी है बिचपड़ी से कबड्डी खेल गई साक्षी पुनिया जी, उनको अवार्ड देने से मना कर दिया हरियाणा की सरकार ने कि हम अवार्ड नहीं देंगे। एक लिस्ट आई कल सोनीपत में डीएसओ के पास, और डीएसओ के ऑफिस से वहाँ फोन आता है बेटी के पास बिचपड़ी, अगर हम आपको अवार्ड दे देंगे आपको उसमें सम्मिलित नहीं किया गया। क्या वो बेटी हरियाणा की नहीं है? क्या वो बेटी बिचपड़ी गाँव की नहीं है? क्या उस बेटी ने गोल्ड मेडल नहीं जीता? ऐसे ही अगर हम बात करें, आज हम बात करें अथवाड़ा गांव में उस बेटी को भी मना कर दिया। जो जो अगर इन्हें एक जब हमने हमारी सरकार थी पूर्व की 10 साल की, बहुत चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे, एक नीति थी पदक लाओ पद पाओ की नीति, हमने बहुत बड़ी बड़ी रैली करके, हुड्डा साहब ने आपने देखा बहुत बड़ी रैली कर करके उनका मान सम्मान भी किया, ऑडी बीएमडब्ल्यू गाड़ी देने का काम किया और करोड़ों रुपए का मान सम्मान इंस्पेक्टर डीएसपी लगाई। लेकिन इस बीजेपी जेजेपी की जो सरकार है हरियाणा में, आपने शायद इस बात का भी नहीं बेरा होगा, अवार्ड में भी कटौती कर दी। मैं पहले गोल्ड मेडलिस्ट था जो एशियाड में, उसको 3 करोड़ रुपये, सेकेंड को 2 करोड़ रुपये, थर्ड को 1.5 करोड़ रुपये, 1 करोड़ रुपया दिया जाता था, लेकिन उन्होंने घोषणा कर दी कि फर्स्ट का 2-3 रखेंगे लेकिन सेकेंड को 1.5 और थर्ड को 75 लाख रुपये। इस प्रदेश के युवा के साथ, खिलाड़ी के साथ जो ये भेदभाव हो रहा है इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और कल एमपी साहब ने घोषणा भी कर दी, कह दो या बीजेपी जेजेपी की सरकार इस बेटी ने अवार्ड दे दे, पैसे दे दे, ना तो आज की डेट फिक्स कर लेना, सत्ता माना कांग्रेस की सरकार आएगी फिर भूपेंद्र हुड्डा जी प्रदेश के मुख्यमंत्री के समेत ब्याज हम अवार्ड देने का काम करेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।